राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर सोमवार को तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक एक की तरफ से आसनसोल कोर्ट के निकट महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी के नेतृत्व में जब देश की राजधानी नई दिल्ली में जॉब कार्ड होल्डर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक उसी समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर सोमवार को तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक एक की तरफ से आसनसोल के अदालत के निकट महात्मा गांधी की मूर्ति के पास तृणमूल कांग्रेस कर्मियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। यहां आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, वसीम उल हक, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष गुरदास चैटर्जी सहित तमाम टीएमसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर तृणमूल के ब्लॉक अध्यक्ष गुरदास चैटर्जी ने कहा कि मनरेगा के कार्य के लिए बकाया राशि का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है, बंगाल के मजदूरों को वंचित किया जा रहा है। इसी के खिलाफ टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी द्वारा दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार तथा बीजेपी इससे इतना डर गई है कि उन्होंने सभी ट्रेन और प्लेन रद्द कर दिए हैं ताकि टीएमसी कार्यकर्ता और बंगाल की आम जनता दिल्ली तक न पहुंचे। लेकिन इसके बावजूद अभिषेक बैनर्जी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मनरेगा जॉब कार्ड धारी दिल्ली पहुंच गए हैं और केंद्र सरकार के सौतेले रवैये के खिलाफ धरना दे रहे हैं। आमरा धरनाय बसेछी आमादेर प्रिय नेता अभिषेक बंदोपाध्याय आह्वान करेछिलेन जे आमरा तीन तारीखे 100 दिनेर काजे जे टाका पाच्छे नाय गरीब मानुष সেই গরিব মানুষদের টাকা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে দিচ্ছে না তারই বিরুদ্ধে আজ আমাদের পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই কর্মসূচি হচ্ছে। আর দিল্লিতেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রায় 1,00,000 লোকের জমায়েত করার যে আহ্বান জানিয়েছিলেন তাতে ট্রেন প্লেন সবই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তাতেও লোককে রোকা যায়নি। আমাদের কাছে দেখবেন যে আপনাদের মাধ্যমে জানাতে চাই যে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্লেন বাস রুখেও আটকানো যাবে না, এই আন্দোলন চলবে। আসানসোল সে সন্তোষ মন্ডল কি রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। I am Dr. Radhakrishna, I am a gastroenterologist and a liver specialist. So I do visit Durgapur once a month. I stay here for 2 days. So we do different types of procedures pertaining to gastroenterology and liver. So we have a range of evaluations that we do here. We do the routine endoscopy, colonoscopy. Starting from there, we have advanced technologies like nasal endoscopy, liver fibroscan, capsule endoscopy.